चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे अरशद हुसैन उर्फ राजू खान ने आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद वे पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं इस मौके पर उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर लोगों से वोट देने की अपील की। जहानाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के SP ने गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम का गठन कर छापेमारी किया। इस दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों के घर से हथियार और लाखों रुपए बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि इन दोनों का संबंध अवैध बालू खनन माफियाओं से है। मुजफ्फरपुर जिले के विजयी छपरा गांव के पास नोबेल हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। यही नहीं, अस्पताल के संचालक को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, तो वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर बेवजह लाखों रुपए ठगने का आरोप लगाया। और पैसा बोला कि अभी 50,000 रुपए जमा करो। हम बोले मेरा है वो पेशेंट, हम सुबह में करेंगे। हम बोले मेरा आदमी मर जाएगा, तो कहता है मर जाएगा तो हम क्या करें, तुम अभी पैसा जमा करो। अरवल जिले में मधुश्रावण मलमास मेले के चौथी सोमवारी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान भक्तों ने पवित्र सरोवर में स्नान कर भगवान शिव को जल अर्पण किया। आपको बता दें कि इस मेले की अर्ध कुंभ के बराबर मान्यता प्राप्त है। मुजफ्फरपुर जिले में JDU कार्यालय के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि जिले के सकरा विधानसभा क्षेत्र की टिकट कांडी के वर्तमान विधायक अशोक चौधरी को दिए जाने के कारण कार्यकर्ता नाराज हैं और पार्टी के आलाकमान से टिकट वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अरवल जिले के भाकपा माले कार्यालय में महागठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में दीपंकर भट्टाचार्य के अलावा महागठबंधन के कई अन्य दिग्गज नेताओं ने भाग लिया। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई, तो वहीं इस मौके पर विधायक और प्रत्याशी भी मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर नकली सिगरेट के एक फैक्ट्री का खुलासा किया। CT SP राजेश कुमार ने कहा कि इस दौरान बड़ी मात्रा में नकली सिगरेट बरामद किए गए हैं, तो वहीं छापेमारी में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या करते हैं इसमें आप? यही बाहर का देखरेख करते हैं, माल मतलब आना जाना ये सब। लड़के लोग को देखते हैं। अच्छा, लड़के लोग को देखते हैं। आपका घर कहाँ हुआ? सीतामढ़ी। या इस ट्रेड में कब से हैं आप? हम तो यहाँ आए हैं 10 दिन हुआ। अच्छा, ये दो नंबर धंधे में कब से काम कर रहे हैं ये सब? ये दो नंबर तो हमको नहीं है। अगर दो नंबर नहीं होते तो इतने सारे माल पुलिस कस्टडी में नहीं होते, कैसे हुआ फिर? हमको तो नहीं पता था कि दो नंबर। तो आप लोग काम आ जाइए। अहियापुर थाना अंतर्गत माधोपुर क्षेत्र में एक नकली सिगरेट बनाने की कंपनी की सूचना मिली थी। थानाध्यक्ष अहियापुर को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया। इन्होंने अपने थाना के पदाधिकारी और बल के साथ में वहाँ पर छापामारी की। छापामारी के दौरान वहाँ भारी मात्रा में बने हुए सिगरेट बरामद हुए, बहुत सारे रैपर्स बरामद हुए हैं।